सबसे बड़ा डायनासोर है, आप ऊपर तक जा पाओगे, स्लाइड बहुत बड़ी है। तो आप जाके ना अंदर भी घूम सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं और ऊपर टॉप में जाके फोटोग्राफी करवा सकते हैं। भाई साहब पंजे देखो इनके, क्या जबरदस्त बनाए गए। कुछ अंडे भी दिखाए गए यहाँ पर डायनासोर के। साउंड इफेक्ट भी दिया था एंड डायनासोर्स बहुत जगह पे मूव भी हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं एक नए पार्क को लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए और एक्सप्लोर करने, जो कि है डायनासोर पार्क। और दिल्ली में आज ही ओपन हुआ है और इंडिया का पहला ऐसा डायनासोर पार्क है जो कि स्क्रब से बना है, यानी वेस्ट पॉइंट से बना हुआ है। तो ये पार्क जो है इसमें लगभग 40 ज़्यादा डायनासोर देखने मिलेंगे, जिसमें 15 प्रजाति डायनासोर की होने वाली है। और कुछ जो डायनासोर उसमें स्लाइड्स भी देखने मिलेगा बच्चों के लिए। तो क्या क्या होने वाला है और ये इसकी लोकेशन क्या है, टिकट प्राइस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको पार्क कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं डायनासोर पार्क। सो ये है टिकट काउंटर डायनासोर पार्क का और ये वेस्ट टू वंडर का भी टिकट काउंटर है, सेवी काउंटर है। और बात करते हैं टिकट के दोस्तों, देखिए पर्सन एज अबव 12 इयर्स यानी 12 साल से ऊपर, 65 साल से नीचे का होने वाला है। ट्यूजडे टू सैटरडे होगा ₹50, वहीं संडे होगा ₹100, ठीक है। वहीं बात करते हैं चिल्ड्रन की, 3 साल तक के बच्चे, 3 साल से 12 साल तक के बच्चों का होगा ₹25 और संडे का होगा ₹50। और अगर बात करें 3 साल तक बच्चों का तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और 65 से ऊपर के जो वृद्ध होंगे उनका टिकट फ्री होगा जब वो अपनी आईडी को शो करेंगे। वही बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ऑल डेज ओपन होता है एक्सेप्ट मंडे, यानी मंडे को ये है पार्क क्लोज होता है। तो दोस्तों, अगर आप डायनासोर पार्क आना चाहते हैं तो और वेस्ट वंडर पहले आ चुके हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये लोकेशन कहाँ पर है। और अगर पहली बार आ रहे हैं डायनासोर पार्क तो बता दूँ, ये पड़ता है आपका निजामुद्दीन में और सराय कालिका जो है उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आप वॉक करके आ सकते हैं, आपको रिक्शा लेकिन जो होती है जस्ट पीछे ही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको आने में। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग आपको यहीं मिल जाएगी। और पार्किंग के चार्जेस क्या होंगे, फिलहाल अभी मुझे यहाँ पार्किंग दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उन्हें हटा दिया गया है। तो कोशिश कीजिए आप मेट्रो से आइएगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बाकी टाइमिंग्स वगैरह मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं फिर बता दूँ, ये जो पार्क है मंडे क्लोज होता है, इसके अलावा ट्यूजडे से संडे तक ये जो है पार्क सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम को 10 बजे ओपन होता है। जो भी आप टिकट परचेस करोगे वो 4 घंटे तक वैलिड होगा, यानी आप 4 घंटे रह सकते हैं, उसका जो होगा आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सो दोस्तों, मेरे सामने है वेस्ट टू वंडर का गेट, एंट्री गेट है और यहीं से डायनासोर पार्क की भी एंट्री होने वाली है। तो कोई भी अलग से इसका एंट्री गेट नहीं है, सेम एंट्री गेट है दोनों के लिए। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर जाके देते हैं। सो दोस्तों, देखिए एंट्री करते हैं, आपको ना बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसके जो अलग भैया अलग से चार्जेस लेने पड़ते, अलग से पैसे लेने पड़ते हैं, कितने हैं? 100 रुपीज़। अगर आपका बच्चा यहाँ पे आता है तो इसका अलग से 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम टिकट्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बुल राइड भी कर सकते हैं और इसके भी अलग से चार्जेस हैं। भैया 100 रुपये होंगे इसके भी, है ना? 100 रुपये चार्जेस हैं। बाकी ये देखिए छोटे बच्चों के लिए कार वगैरह भी है और ये देखिए बोर्ड लगा दिया है, बाकी और से ओपन हो गया डायनासोर पार्क। छोटे बच्चों के लिए ये भी गाड़ियाँ वगैरह भी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो था शाकाहारी वाला कितना बड़ा बनाया गया है और इस पर शायद राइड वगैरह भी दिखाई गई है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, मेरे सामने ये पहला डायनासोर है जो कि है, देखिए पूरा एम्बेसडर कार है, उसका यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। और अंदर बैठने की भी अरेंजमेंट है, बच्चे अंदर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। अब टोटल ये जो चीज़ें हैं वो बेस बोर्ड से बनाई गई हैं, बाकी कुछ डायनासोर यहाँ पर भी हैं। चलिए पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, अंदर बैठ करते हैं, कितना मज़ा आने वाला है। दोस्तों पहला डायनासोर एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसमें ना बैठने के लिए भी जगह है, चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एम्बेसडर कार का साइज इस्तेमाल हो रहा है डायनासोर पार्क में। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए स्टीयरिंग भी है और बच्चे भाई साहब थोड़ी देर पहले मैं आया था, बच्चे भरे पड़े थे यहाँ पर, खूब एंजॉय कर रहे थे बैठ के। ये भी है और एक, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं। एक देखिए छोटा जो है, छोटा डायनासोर जो आपने देखा होगा जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड में, और कुछ डायनासोर यहाँ पे भी हैं। तो पूरे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया ताकि दोस्तों इस तरह के देखिए यहाँ पे ना काफ़ी डायनासोर देखने मिलेंगे। ये देखिए
सो दोस्तों ये देखिए क्या जबरदस्त है, इतना बड़ा इसे जो टीरेक्स बोलते क्या बोलते हैं नाम नहीं पता मेरे को। और इसमें एक चीज़ बता दो दोस्तों, अंदर आप जाके ना अंदर भी घूम सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं और ऊपर टॉप में जाके फोटोग्राफी करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं ऊपर भी चलते हैं और ऊपर से देखते हैं क्या नज़ारा दिखता है। भाई साहब नाखून देख लो, नाखून का जबरदस्त बना रखे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये बच्चों के लिए स्लाइड भी है, बच्चे झूला भी झूल सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो सीढ़ी चढ़ के मैं फुल टॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ से देखिए एक डायनासोर वहाँ पे भी है, उसका अभी पेंटिंग वेंटिंग चल रही है, उसकी मरम्मत चल रही है फिलहाल। ये देखिए और ये देखिए बच्चों का स्लाइड भी है, बच्चे झूला झूल सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूँ यहाँ पे लगभग 6-7 डायनासोर ऐसे हैं जिसमें बच्चे स्लाइड कर पाएंगे, मतलब खेल पाएंगे, मजे ले पाएंगे। तो एक उनमें से एक जो है ये भी है, तो फिलहाल मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ कि स्लाइड ठीक है कि नहीं है, मतलब मज़ा आएगा नहीं आएगा बच्चों में। चलिए शुरू करते हैं। सब पंजे देखो इनके क्या जबरदस्त बनाए गए भाई साहब, खतरनाक है। तो फिर डायनासोर पार्क के अंदर एक छोटी सी कैफेटेरिया खोली गई है, और इसे आगे जाके और बड़ी होने वाली है फिलहाल। और बैठने के लिए सीटिंग वगैरह भी है, बाकी यहाँ वॉशरूम वगैरह की सुविधा आपको मिल जाएगी। और ये देखिए सीटिंग भी यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ना आप देखोगे कुछ डायनासोर और है उनकी आवाज़। भाई साहब खतरनाक वॉइस डाली, खतरनाक सब बैकग्राउंड म्यूजिक डाला हुआ है इसमें देखिए। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे लगभग 40 डायनासोर के आपको देखने मिलेंगे, इसमें 15 प्रजातियाँ हैं डायनासोर की, उसमें से ना 16 बड़े हैं और 24 छोटे हैं, और उनमें से 6 और 7 में ना डायनासोर में आपको स्लाइड देखने मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ये देखिए, और सभी चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट से बनाई गई। यहाँ पर देखो ये छोरे, ये बदमाश वाले देखिए शरारती। तो दोस्तों आप देखो कि बहुत सारे ना टायर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर स्टेयर बनाने के लिए। आइए ऊपर आइए। सो दोस्तों ये देखिए, इसको हम बिल्कुल पास से देख सकते हैं, ये देखिए इसके मुंह पे घुस जाएंगे। ये देखिए पूरा इस्तेमाल किया गया। ओ भाई साहब टीरैक्स देखो, ये टीरैक्स बड़े वाला, इसकी पूंछ देखो उस पेड़ तक जा रही है पूरी, पूरे टोटल वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है। और इंडिया का पहला पार्क है दोस्तों जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है। तो दोस्तों कुछ छोटे छोटे बच्चे आए, उनसे पूछते हैं उनका डायनासोर पार्क कैसा लगा। आपका नाम बताना, कनक राव। आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ पे दिल्ली से। दिल्ली से आपको डायनासोर कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट भी दिया था। हाँ। एंड डायनासोर बहुत जगह पे मूव भी हो रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि और भी बच्चे आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और आपने लगा बकाया था, आप रिकमेंड करोगे बच्चों को और आने के लिए यहाँ पर? मैं बच्चों से कब बस यही कहूँगी कि आप भी आइए, आपको भी बहुत मजा आएगा, आपका भी माइंड फ्रेश होगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, एडवेंचर करने को मिलेगी। चलिए दोस्तों देखिए एक डायनासोर ये भी है, नाम वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं पता किसी का डायनासोर का, और यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाया नहीं है कि कौन सा डायनासोर कौन सा है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा फिलहाल। ये थी दोस्तों ये देखिए कुछ छोटे छोटे डायनासोर भी बनाए गए यहाँ पर, लगाए गए यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे डायनासोर लगाए गए। ये देखिए दोस्तों देखिए कुछ अंडे भी दिखाए गए यहाँ पर डायनासोर के। भाई साहब सेव कर रहा है अंडे को। दोस्तों फिलहाल हम जिस सेक्शन में है यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेने आते हैं, जो कि देखिए ये जो है आपका पुल वगैरह है जहाँ पे बहुत लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पानी वाने का रोका गया है, पानी बंद किया गया है, यहाँ से पानी बहते आता था। और यहाँ पे कुछ डायनासोर प्लेस किए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए। और इस साइड दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे कुछ डायनासोर प्लेस किए गए हैं, देखिए अभी फिलहाल यूज़ में नहीं है। सो दोस्तों देखिए एक और बड़ा, ये देखिए ये जो है शाकाहारी वाला है, और भाई बहुत बड़ा है। और इस साइड देखिए छोटे बड़ा, और ये देखिए क्या बड़ा यार जबरदस्त, इस पर स्लाइड बस, वो भाई साहब बंदे स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है फिलहाल मैं अभी एक बड़े डायनासोर के ऊपर हूँ, और यहाँ अंदर अंदर भी जा सकते हैं, और यहाँ से अंदर जाने के बाद स्लाइड कर सकते हैं। मैं स्लाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को स्लाइड है, तो बाकी चलिए दूसरा डायनासोर दिखाते हैं आपको। ओए आराम से। ओ ये देखिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी भाई साहब स्लाइड के पूरे मजे ले रहे। क्यों मजा आ रहा है? बिल्कुल। हाथ छोड़ देना, हाथ छोड़ देना, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो।
दोस्तों यहाँ बहुत सारे डायनासोर है, अगर भीड़ बढ़ती जा रही, काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखिए, और एक डायनासोर ये भी है। इसमें देखिए दो डायनासोर के बीच में एक पूरा कनेक्टिविटी दी गई है, एक पुल दिया गया, ब्रिज दिया गया है। देखिए ये डायनासोर, एक ये रहा और एक ये रहा। ये देखिए यहाँ ही कुछ बच्चे स्लाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चों की स्लाइड है यहाँ पर। चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं ब्रिज पे आ चुका हूँ। ये देखिए ब्रिज, धूप लग रही है आँख में। और ये देखिए ब्रिज है ये, जो कि दो डायनासोर कनेक्ट करके बना गया बीच में। ये देखिए उतरने के लिए हमें इस स्लाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ और स्लाइड्स हैं। ये देखिए ये डिफरेंट स्लाइड है। वैसे बहुत सारे डायनासोर इसमें स्लाइड, देखिए एक स्लाइड ये भी है। ठीक है, तो बच्चों के लिए इधर बहुत अच्छा बना दिया गया स्लाइड। स्लाइड राइड करने से बच्चे बहुत इंजॉय कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर। तो इस झूले में ना आपको इस तरह से चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए सो ये यहाँ का सबसे लास्ट डायनासोर है, सबसे बड़ा डायनासोर है। आप ऊपर तक जा पाओगे, स्लाइड बहुत बड़ी है। अभी ये यूज़ में कि नहीं, चलिए अंदर चल के दिखाते हैं, ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों सबसे बड़ा जो डायनासोर यहाँ का है, फिलहाल हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, ऊपर जाके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी ये फिलहाल अभी यूज़ में नहीं है, थोड़े दिन बाद यूज़ में आ जाएगा। फिलहाल तो फिलहाल यहीं तक था। और लगभग 40 डायनासोर है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, और 15 प्रजातियाँ हैं। बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ दोस्तों, अगर छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बच्चे इंजॉय करेंगे और डायनासोर देख के तो वैसे ही खुश होते हैं। तो वीडियो अच्छे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के जय हिंद जय भारत।